अर्जन देव पातशाह जी जिन्हां दा आत्मक जीवन बड़ा अडोल है, क्योंकि हजूर जी सुखमनी साहब बाणी दे रचयिता, उस बाणी दे विच मेरे हजूर जी ने अमृतमई बचन आखे, बाणी प्रभ की सब को बोलै आप अडोलना कब हूं डोलै। फिर हजूर जी आखदे ने अपनी अमृतमई बाणी दे अंदर ही सिर उपर ठाडा गुरसूरा नानक तां कै कारज पूरा। ओ ते प्रतक हरि ने परमेश्वर ने परमात्मा ने मेरे वाहिगुरु जी का रूप ने धन धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे महल मात गंगा जी साहब सचे सतगुरु गुरदेव महाराज जी नू बेनती करते ने, क्योंकि शरीकां ने यह मेहना मारिया गया कि जी इन्हां दे घर अंदर औलाद नहीं होनी, ते जे इन्हां दे घर औलाद नहीं होवेगी ते ये जेडे गुरता गद्दी दे मालक बन के बैठे ने ये मुड़ के साडे पास आ जावेगी, एक घर खाली दा खाली रह जावेगा। हुण औरत सब कुछ बर्दाश्त कर लेंदी है, पर कोई ये मेना मारे कि इन्हां दे घर अंदर औलाद नहीं होनी, ये गल जरनी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ये रब्बी दाता ने परमात्मा दी दात है, ते जेकर कोई इस गल दे उत्ते ताना मेना मारदा है ते जिसनू मारिया जांदा उहदे मन अंदर ना एक जिन्हों कहीए कि बड़ा दुख जहा पैदा होंदा है, क्योंकि वह मजबूर है। मात गंगा जी बड़े उदास चित होके बैठे सन, मेरे हजूर सचे सतगुरु जी आए ने ते उन्होंने देखा कि गंगा ते पहला कदी इदा बहिंदे नहीं सन, पर एक ही कारण होया कि इतने उदास चित ने, उन्होंने अपने महलां दे पासों पुछिया कि गंगा ये उदासी का कारण की है। ते जवाब दिता जी अज शरीका ने बड़ा वड्डा ताना मारिया है। उन्होंने आख्या जी ये गुरता गद्दी साडे घर आवेगी, क्योंकि इन्हां दे घर अंदर कदी औलाद नहीं पैदा होगी। हे हजूर, हे सचे सतगुरु, तुसी ते जगत नूं दातां दिंदे गो, हजारां सिख आप जी दे चरणां दे विच जुड़ के दाता हासिल करते ने, लोक परलोक दे सुख हासिल करते ने, महाराज की गल साडे घर अंदर पुत्र दी दात नहीं हो सकती, साडे भागां दे विच पुत्र दा सुख नहीं। हजूर गरीब निवाज जी मात गंगा जी नूं आखदे ने, भाव अपनी धर्मसपत्नी नूं आखदे ने, गंगा सब कुछ परमेश्वर दे वास है, सब कुछ उस परमात्मा दे हथां दे विच है, उहदे तों बाहर कुछ भी नहीं है। गंगा जी ने फिर आख्या कि नहीं, मैनू पुत्र दी दात चाहीदी है। ते साहिब जी ने आख्या जे पुत्र दी दात चाहीदी है ना, फिर बाबा बुढ़ा साहिब जी दे चरण परसो जाके, जदों बाबा बुढ़ा साहिब जी दे चरण परसोगे
बाबा बुढ़ा साहब जी ने गुरु नानक साहब जी की सिखी प्राप्त की है। गुरु नानक देव महाराज जी के चरण कमलों का अमृत पीता के उन्होंने प्रतख रूप दे विच पांच गुरु साहबाना के दर्शन किए ने। तुसी उन्हां दे कोल जावो, उन्हां दे कोल जाके बेनती करो ते मात गंगा जी बड़े परेशान ने, क्योंकि गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने आख्या सी प्रभ जी वसे साध की रसना, जो परमेश्वर परमात्मा वाहिगुरु ने उते साधु दी रसना दे उते वस दे ने। ते बाबा बुढ़ा जी का सुभाव बड़ा जिन्हों आखिए कि बड़ा फकीरां जी वाला गए, ते जदों तुसी उन्हां दे कोल जाके अरजोई करोगे तुहाडियां झोलियां जरूर भरनगे। मात गंगा जी सत बचन कहे ते अमृत वेले दी उडीक करन लगे कि कदों अमृत वेला होवे। ते मैं सच्चे सतगुरु जी दे बचना नूं स्वीकार करके बाबा बुढ़ा साहब जी दे चरण परसा, उन्हां दी सेवा करा। अमृत वेला कोया, मात गंगा जी ने इशनान कीता, दास ते दासियां नूं तैयार होण दे लई आख्या ते घर अंदर अग बाली गया चुल्हे दे विच, ते बहुत स्वादले भोजन जेड़े ने उह पकाए गए ने। ये भोजन भी पकाए गए दासियां वल्लों सन। मात गंगा जी ने रथ जेड़ा है चलण दे लई तैयार करवाया। बाकी संगतां ने भी बेनती कर दित्ती कि असी भी तुहाडे नाल बाबा बुढ़ा साहब जी दे घर दे दर्शन दीदार करन चलांगे। बहुत सारी सिख संगत तैयार, कोई तैयार हो के मात गंगा जी ने रथ अगे ला लिया। दास ते दासियां ने सिर दे उते ओ पकिया कोया भोजन जेड़ा के चुक लिया। मात गंगा जी रथ दे उते सवार होए ते पिछे पिछे संगतां गड्डियां दे उते बैठ के आ रहीआं। जदों बाबा बुढ़ा साहब जी दे कोल पहुंचे उन्होंने की देखिया कि आकाश दे अंदर इतना घटा मिट्टी उड़दा पिया गया। उन्होंने अपने सेवक दे पासों पुछिया कि माजरा गया, ये इतना शोर शराबा क्यों है? ते सिख ने जवाब दिता, महाराज लगता है कि कोई तुहाडे दर्शनां दे लई बहुत वड्डी गिणती दे विच संगत आ रही है। इतने चिर नूं मात गंगा जी जेड़े ने रथ तो उतरे ते बाबा बुढ़ा साहब जी दी निगाह उन्हां दे उत्ते पई ते बाबा बुढ़ा साहब जी दे रसनां दे विचों सहज सुभाए ये बचन जेड़े ने वह निकले, मेरे हजूर सच्चे सतगुरु गुरुदेव महाराज जी दे बख्शे कोई उसे किसान ते रसना दे विचों बचन निकले के आज गुरु घर नूं कित्थों भाजणा पै गईआं। अंतरजामी सन, जानण वाले सन कि यह गुरु घर अंदर अगे नहीं पिछे नहीं, अज मात गंगा जी रथ दे उत्ते सवार हो के दास दासियां नूं अपने नाल लैके आए ने, अज कहड़ा ही ऐसा काम पै गया साढ़े ताई। उन्होंने आप भी बेनती नहीं की, बेनती भी दासा ने की, दासियां ने की। मात गंगा जी ने केवल ये बचन आखे के बाबा बुढ़ा साहब जीओ लंगर तैयार है, तुसी हाथ धो के लंगर छक लो।
बाबा बुढ़ा साहब जी ने आख्या ये वक्त नहीं है लंगर छकण दा, तुसी अपने आउण दा मनसूबा की है, भाव किहड़ी इच्छा लेके आए हो। मात गंगा जी ते नहीं बोले ते दासी ने अगे होके बेनती की, महाराज आप जी दे चरणा दे विच बेनती करन आए हां कि इन्हां दे घर अंदर आप जी अरदास करो कि पुत्र दी दात हो जावे। बाबा बुढ़ा साहब जी कह लगे कि भाई असी ते गुरु नानक साहब जी दे घाइए से खां घाइए, घाइए का मतलब पता हुंदा की हुंदा, घा पुट्टण वाले, असी ते गुरु नानक साहब जी दे घा पुट्टण वाले सिख हाँ, ते साडे पास इतनी वड्डी ताकत कित्थों के असी गुरु दे बराबरी करके ते जो दातां गुरु ने देनियां हुंदियां ने असी दईए। असी ते एक निमाणे जे निताणे जे सिख हाँ, साडे अंदर कोई समर्था नहीं। मात गंगा जी डर गए के आए ते गुरु पातशाह जी दे बचना दे अनुसार सा के बाबा बुढ़ा साहब जी छेती त्रुट जाणगे, क्योंकि उन्हां दे मन अंदर कोई वल फरेब नहीं। पर इधर ते मसला बड़ा उल्टा पै गया कि उन्हां ने ते बचन कह दिते ने, वरते एक पासे रहा, अपनी रचना दे विच ये बचन कह दिते कि गुरु घर नूं अज कित्थों भाजड़ां पै गईआं। उन्हां दा कहण ओ बोली इदां दी सी, सहज सुभाए तुसीं देखो कई वारी मूंह दे विचों बचन निकल, सहज सुभाए उहदा मतलब नहीं हुंदा कोई, ये मकसद नहीं सी कि कोई गलत अल्फाज गुरु दे लई बोलना, नहीं। बाबा बुढ़ा जी बड़े अंतर जामी ने, अंतर ध्यान ने, ते सहज सुभाए उन्होंने ये बचन आखे। ते जो बचन आखे मात जी डरन लग गए कि पुत्र दी असीस ते मिली कोई नहीं, पर ये बचन सुनन जरूर मिल गए ने कि भाजड़ां कितों बह गई। बाबा बुढ़ा साहब जी ने प्रशादा छकण तो इनकार कर दिता ते आख्या जी अजे भुख कोई नहीं। मात गंगा जी नाराज चले गए, मन बड़ा दुखी है, मेरे हजूर सचे सतगुरु जी श्री हरिमंदर साहब तो जदों रात्रि दे दीवाना की समाप्ति करके वापस आए ते देखिया मात गंगा जी का जेड़ा चेहरा है वह फिर उतरिया होया। मेरे हजूर ने पूछया गंगा अज की होया गया, अज ते तेनू खुश होना चाहिदा सी, तुसी बाबा बुढ़ा साहब जी दे कोल गए हो, तुसी उन्हां तो असीस लैन गए सी, अरदास करवाउण गए सी, बाबा बुढ़ा साहब जी ने की आख्या। मात गंगा जी ने आख्या जी उन्हां ने ते साडा प्रशादा भी नहीं छकिया, प्रशादा भी छकण तो इनकार कर दिते कि नहीं सानू अजे भुख नहीं है। बाबा बुढ़ा साहब जी ये बचन आखण ते हजूर सचे सतगुरु जी समझ गए कि गलती उधर नहीं, गलती इधर हुई है, क्योंकि बाबा बुढ़ा साहब जी कदी गलत कह ही नहीं सकते। कदी भी अपने सेवकां दा मन है वो बंदगी करन वाला कदी नहीं दिखाउंदा। ते उस वक्त बाबा बुढ़ा साहब जी तो वाहिगुरु जी मात गंगा जी तो भाव गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने पूछया कि सानू दसना करो कि जदों तुसीं बाबा बुढ़ा साहब जी दे नाल मिलन गए सी, दर्शन करन गए सी, अरदास करन गए सी, की कुछ नाल लिया। कहन लगे हजूर
घर दे विचो चंगा पकवान तैयार किया, सेवक सेविका नाल लै ले, रथ पूरा सजा दिता ते उस रथ दे उत्ते सवार हुए ते लंगर सेवकां दे सिर दे उत्ते चुकिया होया सी ते ए बेनती भी लंगर छकण दी सेवकां ने कीती है ते गुरु अर्जन देव पातशाह जी आखते ने गंगा इत्थे ते साडे पासों गलती होई है। जदों साधु दे दर दे उत्ते जाइए ते कदी भी अपने जीवन दे विच किसे तरीके दा भी हंकार नहीं होना चाहिदा, बिल्कुल निम्रता दे विच, बिल्कुल सादगी दे विच, प्रेम भावना दे अंदर बंदगी करन वालियां दे दर्शन करने चाहिदे ने, क्योंकि बंदगी करन वाले परमात्मा दा ही रूप हुंदे ने, परमेश्वर दा ही रूप हुंदे ने। गंगा तू समझ नहीं पाई जिस बाबा बुढ़ा साहब जी ने गुरु नानक साहब जी तो लैके साडे पिता गुरु साहब जी की सेवा की, साडी सेवा की, उन्हां दी भगती उन्हां दी बंदगी कितनी होवेगी, ते उन्हां दे दर दे उत्तों कोई मंगे ते ओ मोड़ देन हो ही नहीं सकदा। गंगा जी ने पूछिया जी हुण जेड़ा ये काम विगड़ गया इनू सवारांगा किवें, किवें सवारिया जा सकदा के, ते उस थां ते मेरे हजूर ने आख्या कि जदों भी साधु नूं मिलण जाइए ते नाल किसे नूं ना लैके जाइए। हजूर ने तरीका दसिया कि गंगा अमृत वेले उठना है, इशनान करना है, अपने हथां दे नाल दाने चक्की दे चला के पीने ने, अपने हथां दे नाल आटा तैयार करना है, अपने हथां दे नाल ए जेड़े मिसे प्रशादे ने तैयार करके, अपने हथां दे नाल दही रिड़क के लस्सी तैयार करनी है, गंडे लेके जाने ने, ते फिर नाल नहीं किसे नूं लेके जाना, बस एक अद दासी नाल होवे, ते जे होवे ते पैरां दे अंदर जोड़ा भी नहीं पाउणा। ए विधि सी। मात गंगा जी उठे ने, इशनान कीता, बाणी पढ़ी है, अपने हथां दे नाल सेवा कीती, मिसे प्रशादे तैयार कर ले, नाल लस्सी दा जेड़ा भांडा है वह भर लिया, एक दासी नाल लई, ते दासी कहिंदी है जी ए लस्सी दा जेड़ा भांडा है छन्ना ए मैं चुक लैनी हाँ। मात गंगा जी ने आख्या नहीं, मैं ही लैके जावां, सिर दे उत्ते चुक लिया, नंगे पैरी सतनाम दा जाप जपदियां होया बाबा बुढ़ा साहब जी दे कोल गए। बाबा बुढ़ा साहब जी ने मात गंगा जी नूं जदों आउंदियां वेख्या इको दम सत्कार दे विच उठ खलोते, हाथ जोड़े ते मुस्कुरा के आखदे ने कि मावां ही जाणदियां ने पुत्तरां दे अंदर दी भुख नूं। ते देखो सुभाव की गल, बाबा बुढ़ा साहब जी ने वो जिहड़ी पिछली रात लंघ के गई सी प्रशादा नहीं सी छकिया, ते बाबा बुढ़ा साहब जी ने आख्या कहिंदे ने मात जी छेती छेती करो, भुख बहुत लगी है, रात का प्रशादा कोई नहीं छकिया,
मात गंगा जी ने अपने सिर तो लस्सी का भरिया भांडा लाया। बाबा बुढ़ा साहब जी बह के चौंकड़ा मार के मंजे दे उते ते हजूर सचे सतगुर की इतनी कृपा, मिसे प्रशादे हाथ दे उते लेने गंडा पकड़िया। ते जदो गंडा पकड़िया ना ते हाथ दी बनाई एक दी मुठी बंद कीती ते गंडे नू पावे दे उते रख लिया। पावे दे उते रख के जोर दी मुका मारिया ते बचन अपनी रचना दे विच आखे के मात जी जो तुहाडे घर पैदा होवेगा वह जालमां दे सिर भन देवेगा। जालम उन्हां दे अगे ठहर नहीं पाउणगे, इतनी समर्था उन्हां दे अंदर होवेगी। महात गंगा जी बहुत प्रसन्न होए, मानो बाबा बुढ़ा साहब जी ने यह बचन उन्हां दी झोली पा के उन्हां दीआं सारीआं चिंतावां फिकरां खत्म कर दित्तीआं। कोल साहब सचे सतगुरु गुरदेव महाराज जी का शुकराना किया। बाबा बुढ़ा जी ने रज के भोजन छकिया ते मात गंगा जी श्री अमृतसर की पावन धरती दे उत्ते फिर आए। रात नूं मेरे हजूर आए ते मेरे हजूर ने पूछिया, गंगा तुसी बाबा बुढ़ा साहब जी दे पास गए सी ते उन्होंने की बचन आप जी दे झोली दे विच पाए। मात गंगा जी बड़े प्रसन्न ने ते उन्होंने आख्या के हुक्म कीता है तुहाडे घर जो पैदा होवेगा ना, जो जन्म लवेगा वह जालमां दे सिर भन के रख देवेगा। साहब सचे सतगुर जी ने शुकराना किया अकाल पुरख का। 5 जुलाई 1595 गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने गुरु की वडाली दे विच मात गंगा जी की कुख दे विचो प्रकाश धारण किया। साहब गुरु की वडाली इस करके आए सन क्योंकि इन्हां दे वड्डे भरा पृथ्वी चंद बार बार इन्हां दे नाल लड़ रहे सन, झगड़ रहे सन। इन्हां दे भी मन दे विच आया कि चलो थोड़ा पासे हो जावांगे, साडे भरा नूं भी शांति मिल जाएगी। इहदी भी जिहड़ी आत्मा भटकदी है कल्पदी है सानूं वेख के ते इह भी शांत हो जावणगे। मेरे हजूर सचे सतगुरु जी ने फैसला किया वडाली दे विच पिंड दे विच आउण दा ते हजूर उस थान दे उते आके टिके। उत्थे ही हर गोबिंद पातशाह जी का प्रकाश होया। जदों प्रकाश की खबर प्रीति चंद नूं लगी ते प्रीति चंद ते सड़ बल गया, प्रीति चंद दे अंदर ते क्रोध पैदा हो गया। एक ही बन गया क्योंकि असी सोचिया ते कुछ होर सी, असी ते मन अंदर एक क्यास ला के बैठे सां कि इन्हां दे घर अंदर कोई भी पुत्र नहीं होवेगा ते सब इन्हां दी जिहड़ी खट्टी हुई कमाई है, जो धन दौलत इज्जत है वह गुरता गद्दी समेत ही साढ़े पास आ जाएगी। पर किसी ने खबर दी कि उन्हां दे घर अंदर ते बालक ने जन्म ले लिया। प्रीति चंद इदां सड़ बल गया जिवें किसी ने किसी के जख्मां दे उत्ते लूण छिड़क दिता हुए। जदों ये महसूस होया ते बीबी करमों लड़दी है
ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਝੂਠੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਔਲਾਦ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੀ ਖੋਟ ਤੇ ਮੈਲ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜਨਮ ਹੀ ਲਿਆ ਗਏ, ਕਰਮੋ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਜੰਮਦੇ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਬਾਲਕ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਮੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਮੋ ਦੇਖੀਏ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਦਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵੀ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇਵੀ। ਦਾਈ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰ, ਔਰੇ ਕੀ ਔਰੇ ਭਾਈ, ਚਿਤ ਬਤਰਿਓ ਠਗੋਰ ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗੱਲ ਭਰੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦਾਈ ਮਰ ਗਈ, ਪਰ ਮਰਦੀ ਮਰਦੀ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਭਾਗਣ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੇਵਲ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਪੇਰੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲਕ ਖੇਡਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਕੇ ਐਸਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸੱਪ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਮੰਗੇ ਮੰਦਾ, ਵੈਰੀ ਵੀ ਹੋਣ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਜੇ ਇੱਛਾ ਵੀ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਿਉਂਤ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਖਿਡਾਵਾ ਸੀ ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਦਹੀਂ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਭਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁੰਡੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੂੰਹ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮੈਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਰੋਏ ਨੇ, ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮਾਤ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ। ਇਤਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਸ ਖਿਡਾਵੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਦਹੀਂ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲਿਆ ਕੋਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਾ, ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਲੀ ਪਕੜੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਲੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮਾਜ਼ਰਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਮੰਜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁੱਤਾ। ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਫਿਤਰਤ ਸੀ, ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਮਾਰੀ, ਜੀਭ ਮਾਰ ਕੇ ਚਟਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਚੋਰੀ ਪਕੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਲ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਵਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਾਈ ਸੀ।
सारी संगत सुन के फिर हैरान हुई कि हद हो गई है, एक बारी दो बारी पृथ्वी चंद ते गुरु घर का दुश्मन ही बन गया है। लोग आन के वधाइयां दे रहे ने कि जी तुहाडे घर वाहिगुरु जी ने कृपा की है, ते पृथ्वी चंद ये सोचता पिया है कि किसे ना किसे तरीके दे नाल गुरु हरगोबिंद जी नू खत्म किया जाए। साहब सचे सतगुरु जी ने गुरबाणी दे विच अपने अमृतमय शब्द लिखे शुकराने दे विचों वजो मेरे हजूर ने शब्द लिखिया मेरा सतगुर रखवाला हुआ, मेरा सच्चा सतगुरु गुरु नानक आप रखवाला होया गया। ते जदों परमात्मा आप गुरु दे रूप दे विच रखवाला होया तार कृपा हाथ दे रखिया हर गोविंद नवान रूप, क्योंकि इस तो बाद हर गोविंद पातशाह जी नू जेड़ा सी ताप चढ़ गया सी, ताप जिन्हों सी कहने जी माता निकल आई सी, तन बिल्कुल खाणों पीणों रह गए सन, शरीर कमजोर हो गया, सारे डर गए सारे घबरा गए कि हुण की बनेगा। ते उस समय दे अंदर जो सनातनी माता है वो ये गल आखदी है कि जदों ये मनुख दे उते पीड़ा आवे विपता आवे भीड़ पवे ते इस बीमारी तो निजात दवाउण दे लई एक मंदिर है शीतला माई दा मंदिर, तुसी उथे जाके मत्था टेको ते इन्हां दा कष्ट कट्टिया जावेगा। पर हजूर जी नूं परमेश्वर परमात्मा दे उते पूर्ण भरोसा है, ते उसे भरोसे दे सदका गुरु हरगोबिंद महाराज जी दा जेड़ा ए रोग सी ताप सी ए कुछ ही समय दे विच जांदा रहा। फिर हजूर जी ने ए शब्द जेड़ा सी उचारण कीता सी मेरा सतगुर रखवाला हुआ, परमेश्वर दा धन्नवाद कीता गया क्योंकि तीन हमले भरा दे वल्लों एक कुदरत दे वल्लों ते उन्हां चारां हमलियां दे विच जे पत रखी है ते परमात्मा ने परमेश्वर ने धार कृपा हाथ दे रखिया हर गोविंद नमा नरवा, ताप गया प्रभ आप मिटाया जन की लाज रखाई, साध संगत ते सब फल पाए सतगुर कै बल जाई। ए सत संगत दियां असीसां सन, ए सत संगत दियां दुआवां सन, ए गुरु नानक दे घर दा प्रताप सी कि मारन वाले ने कोई कमी नहीं छड़ी पर मारन दे नालों बचाउन वाला वड्डा हुंदा। अटल बचन नानक गुर तेरा सफल कर मस्तक तारिया, अटल बचन जो टालिया नहीं जा सकता, जिसनु मोड़िया नहीं जा सकता, जिनू दुनिया की कोई ताकत जिहड़ी है वह खत्म नहीं कर सकती, फना नहीं कर सकती, उन्हूं नाश नहीं कर सकती, ये गुरु नानक साहब जी का बचन है। ते ओ बचन जुगो जुग अटल है, धरती इधर तो उधर हो जाएगी, आसमान इधर तो उधर हो सकता है, पर गुरु का बचन ये नहीं जी, ये अटल है। फिर उस थान के उत्ते मात गंगा जी ने हजूर के चरणों के विच बेनती की, असी इस नगरी नूं छड़ दईए ते अमृतसर की पावन धरती के उत्ते वासा करिए। मेरे हजूर सचे सतगुर जी ने बेनती प्रवान की, उन्हां दी बेनती नूं मनदिया होया मेरे हजूर
अमृतसर की पावन धरती के उत्ते फिर आए। साहब सचे सतगुरु गुरदेव महाराज जी जदों हकूमत दे वलों हुक्म होया शहीदी दा, ते 11 साल की उम्र दे विच सचे सतगुरु गुरदेव महाराज जी गुरु हरगोबिंद पातशाह जी नूं गुरता गद्दी दा मालक बनाया। 1609 ईस्वी दे अंदर गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने अकाल तख्त की सिरजना की। मेरे हजूर सचे सतगुरु गुरदेव महाराज जी ने 4 जंगा जिहड़ियां सन उन्हां जंगा का जवाब दिता, कीतियां नहीं। हमेशा असी इत्थे भुल खा जाने, असी कहने गुरु हरगोबिंद महाराज जी ने 4 जंगा लड़िया। मेरे मालक नूं कोई शौक सी जंगा लड़न दा? नहीं, वह तो जेड़े पुत्रे हुए सन, जेड़े हंकारे हुए सन, जेड़े गुरु नूं गुरु नहीं सी जानते, मेरे मालक जी ने उन्हां नूं उन्हां दी औकात दिखाउण दे लई उन्हां जंगा दा जवाब दिता सी। हजूर कदी भी जंग दे विच बिलीव नहीं करदे, यकीन नहीं करदे, क्योंकि जंग दे नतीजे हमेशा घातक हुंदे ने, थोड़े नहीं बहुत घातक हुंदे ने। ते जिहड़े शांति पसंद मनुख ने वो कदी जंग दी गल नहीं करदे। फिर तुहाडे मन अंदर यह सवाल पैदा होगा कि मेरे हजूर ने मीरी पीरी दियां 2 तलवारां क्यों पहनियां? ते इहदा जवाब है, ध्यान नाल सुनियो जी। जे मान लो तुहाडे कोल मटीरियल है पर जमीन नहीं, ते तुसी मकान कित्थे पाओगे? नहीं ना पै सकदा, जमीन होनी जरूरी है। ते जे मानो जमीन तुहाडे कोल है, मटीरियल तुहाडे कोल नहीं, फिर तुहानू कुदरती आफतां तो कौन बचावेगा? जेड़ियां आसमान दियां कुदरत दियां आफतां ने उते तो कौन बचावेगा? इस करके जमीन दा होना ते मकान दा उते पहना ये बड़ा लाजमी है। जे जमीन होवेगी मकान नहीं होवेगा तभी दुख है। जे मकान दा मटीरियल है पर जमीन नहीं ते मकान खड़ा किथे करोगे? थम किथे गड्डोगे? इस करके दोनों चीजां दा कोना लाजमी है। सिख बाणी दे नाल भी जुड़े, सिख बाणी दे नाल भी जुड़े, ये हुक्म है मेरे गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दा, जिन्हां दा असीं प्रकाश पुरब मनाण जा रहे हाँ। आओ गुरु सवारियो, साहब सचे सतगुरु जी दे चरणां दे विच अरदास करिए कि मेरे मालक जीओ, आप जीआं ने कृपा रहमत बख्शिश करनी, साडे जीवन दे अंदर बाणी ते बाणा असी इन्हां दोनां दे नाल जुड़ जाइए, क्योंकि इन्हां दोनां दे नाल जुड़ांगे ते रूहानियत आवेगी, असी बाहर दी मुसीबतां तो बच सकदे हां। जे बाणी ते बाणी दे नाल टुट गए फिर इस जिंदगी दे विच दुख ही दुख ने। मालक जी कृपा रहमत करन, साडे मनाए हुए पुरब सफले हो जावन, यही अरजोई सचे सतगुरु जी दे चरण कमलां दे अंदर खोईयां बेअंत बेअंत भुलां दी खिमा असीस बख्शनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।